हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में हूँ। ये दिल्ली का सेक्टर 24 है द्वारका का, और मेरे साथ जय कुमार जो कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ के, वहाँ से अमित मिश्रा जी यहाँ के इंजीनियर हैं, ये इनके सुपरविजन में सारा कुछ यहाँ पे बन रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अमित जी के साथ दिखाने वाला हूँ कि ये लॉन्चर का काम जो काफ़ी टाइम से मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा था, अब होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, तो उसका क्या स्टेटस है वो आपको दिखाने वाला हूँ। और ज़रा सा मैं कैमरा टर्न करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर जो पियर कैप्स भी बन गए हैं। मैं एक जगह जूम करता हूँ, देखिए वहाँ पे पियर कैप का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देखिए तो पियर कैप भी बन गए हैं। और सामने मैं जूम करता हूँ, आपको दिखेगी गाड़ियाँ आती जाती हुई, वो धुलसीरस चौक है, इसी के डायगनली बिल्कुल अपोजिट उस तरफ IICC है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपको पीछे वहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे होंगे, देखिए वो DDA के फ्लैट्स। और ठीक उसी के सामने जो द्वारका में डिप्लोमेटिक इनक्लेव आना है वो वहाँ पे, यानी कि इसका जो बाउंड्री वॉल है द्वारका एक्सप्रेस का, इसके ठीक साथ डिप्लोमेटिक इनक्लेव आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे सेगमेंट्स भी रखने शुरू हो गए हैं। अमित जी जी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि साइड में सेगमेंट्स भी रखे हुए हैं, राइट? तो सेगमेंट जहाँ पे भी मैं देखता हूँ, मैं ये तो समझ जाता हूँ कि अब आप फ्लो तेज हो गया है और अब सेगमेंट मतलब एलिवेटेड रास्ते का भी काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। जी एक्चुअली आपने कास्टिंग यार्ड में भी देखा था, हमारे बहुत सारे सेगमेंट कास्ट होकर रेडी थे, राइट, रेडी पोजिशन पे थे, करेक्ट। तो हमारे पास जो वहाँ पे वर्किंग प्लेस है वो तो लिमिटेड ही है जी। तो अब हमने क्या किया कि वहाँ से उठा के हमने इसको शिफ्टिंग करना, वहाँ पे पूरा भर गया है, पूरा भर गया, क्योंकि वहाँ भी वर्क और फ्लो काफी तेज है। अगर इतनी स्पीड से वर्क नहीं करेंगे तो आई थिंक हम अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाएंगे। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे मुझे याद है 5 महीने पहले, जी तकरीबन 5 या 4 महीने पहले सेगमेंट को लगाने का, एलिवेटेड रास्ते के लॉन्चर को लगाने का काम शुरू हुआ था जी, और आपने उस टाइम पे बताया था कि 2 से 2.5 महीने में एलिवेटेड रास्ते का काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। लेकिन आज के डेट पे भी यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हुआ नहीं है, अभी सेगमेंट्स लगने शुरू नहीं हुए हैं। हालांकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये देखिए, सामने मैं जूम करके दिखाता हूँ, लॉन्चर में सेगमेंट जिसमें लटकाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये LG है, लाइव गर्डर्स है। हाँ, वो जो लटके हुए हैं वो सीलिंग्स है, सीलिंग्स है, उसी में आप लॉन्चर को फंसा के ऊपर पुल करते हैं। जी हाँ, उसमें हम अपने सेगमेंट्स को लगाएंगे जी पुलिंग के लिए। तो यहाँ पे लेट क्यों हो गया ये बताइए। जी हाँ, बताता हूँ मैं आपको लेट क्या हुआ। सबसे और लेट करने की वजह से आप प्रोजेक्ट भी लेट से कम्प्लीट करेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोजेक्ट तो हमारा ऑन टाइम ही खत्म होगा, क्योंकि हम एक एक्टिविटी, जैसा मैं पहले भी कहता था कि एक टाइम आने के बाद सारी एक्टिविटी एक साथ चलती है। जब सारी एक्टिविटी एक साथ चलती है तब जाके एक अच्छा प्रोग्रेस निकलता है। जैसे कि पहले सिर्फ पाइलिंग स्टार्ट हुई थी, उसके बाद फिर धीरे से पाइल कैप लिया, फिर पियर लिया, पियर कैप लिया, बट आज के टाइम पे हमारी ये तीनों चारों एक्टिविटी एक साथ चल रही है। ओके, अब जैसे प्रेजेंट में, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था उस समय, यहाँ पे पहले तो मैं ये दिखाता हूँ, ये पिलर नंबर 161 है। L का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम UER2 की तरफ से आ रहे होंगे, और हम एयरपोर्ट की तरफ से आएंगे, हम एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं मान लीजिए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा। अच्छा, हमारा राइट हैंड साइड हो। ओके, ये लेफ्ट वाला पिलर हो गया और वो राइट वाला पिलर हो गया, पिलर हो गया हमारा, ठीक है। तो आप जैसे पहले आप 3-4 महीने पहले ही आए थे, यहाँ पे थोड़ा बहुत वर्क स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, पियर कैप लगने शुरू हुए थे, कोई भी पियर कैप बना नहीं था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि सारे पियर कैप यहाँ पे बन गए। यहाँ पे 15 नंबर्स प्लस में पियर कैप हम कास्ट कर चुके हैं। ओके, ठीक है, LHS एंड RHS बहुत मिला के। ओके, LHS RHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जी। तो और जब लॉन्चर आपने देखा था उस समय भाई, क्योंकि पियर कैप हमारे रेडी नहीं थे उस टाइम, ठीक है, क्योंकि जब तक हम पियर कैप नहीं रेडी कर लेंगे तो हम लॉन्चर ऊपर कैसे लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लॉन्चर का जो लेग्स आप देख रहे हैं वो हमारे मोस्टली पियर कैप के ऊपर ही है जी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें डिले हुआ। लॉन्चर के लेग्स का मतलब है ये वाले जो आपको दिख रहे हैं जी, जी मैं जूम करता हूँ कि आपको भी समझ में आए, इसको लॉन्चर के लेग्स बोलते हैं जी। और इसी के ऊपर हमारा लॉन्चर मूव होता है, ठीक है। इसमें ये ड्रेन वाले पाइप्स क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ग्रे कलर के? हाँ, ये लगे हुए ना, इसके अंदर बेयरिंग्स लगते हैं हमारे। अच्छा, बेयरिंग्स के सेटअप के लिए ही वो बना। अच्छा, मुझे ऊपर एक स्टाफ भी दिख रहा है काम करता हूँ, मैं वो भी दिखाऊँ। अच्छा, वो देखिए ऊपर में वहाँ पे एक स्टाफ है, 2 स्टाफ्स हैं लॉन्चर के ऊपर, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी काम अब तेज खिंच जाएगा मुझे लगता है। अभी आपको बड़े छोटे से दिख रहे होंगे ये दोनों लॉन्चर्स है ऊपर, लेकिन अभी मैं आपको लॉन्चर के सुपरमैन दिखाता हूँ। अभी जूम करता हूँ, देखिए ये देखिए हमारे सामने 2 सुपरमैन लॉन्चर्स के। भैया हाथ हिला दो। हेलो, देखिए आप सबको उनके तरफ से भी हाय हेलो हो रहा है। बहुत एफर्ट है इनका, इनमें बहुत एफर्ट है, बहुत ज्यादा एफर्ट है। आई थिंक सारे जितने भी लेबर्स काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, उनका बहुत बड़ा एफर्ट है और बहुत बड़ा सपोर्ट भी है। बहुत
थैंकफुल है उनके लिए, और हम सारे द्वारकावासी क्या पूरे दिल्ली वालों को इनको बहुत बड़ा थैंक्स बोलना चाहिए। राइट, मतलब मेन तो यही काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं जी, सुपरमैन ही है। मैं तो सुपरमैन ही मानता हूँ, हमारे सुपरमैन है। कब मैं आऊँ अमित जी यहाँ पे? तो मुझे लॉन्चर विद इन वन और टू वीक में आपको यहाँ पे सेगमेंट्स लटकते हुए दिखेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए ऊपर में दो स्टाफ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग की काम चल रही है, मतलब रात को भी काम करने की तैयारी हो रही है आपकी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, वो कनेक्शंस कर रहे हैं, वो हमारे इलेक्ट्रीशियन है जी, साथ में हमारा एक हेल्पर लगा हुआ है, ठीक है, वो लाइटिंग का कर रहे हैं कि नाइट में भी वर्किंग होगा तो उसके लिए रात में प्रॉपर लाइटिंग यहाँ पे हमें मिले। अभी तक हमने द्वारका एक्सप्रेसवे के लोगों के लिए तो बता दिया कि क्या कैसे है, क्या है, क्या सिस्टम है। दो हफ्ते में आप शुरू कर देंगे दूसरे के पास भी एलिवेटेड रास्ते का काम। मैं ये भी देख रहा हूँ कि छठे स्पैन में सेक्टर 27-28 वाले में छठे स्पैन चला गया है वो। जी जी, वहाँ पे अभी हाई टेंशन वायर शिफ्ट होना बचता है। जी हाँ जी हाँ। अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए थोड़ा सा ये देते हैं, आप मुझे प्लीज़ ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि कहाँ पे क्या चीज़ है, जैसे वो गार्डर है, ये किसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक छोटा सा उनको भी आइडिया मिल जाए। ठीक है, प्रीवियस कई वीडियोस में बताया भी है हमने। हाँ, ठीक है, जैसे आपको ये मेन गर्डर्स हो गए बीम सब, ये ऑरेंज वाले जो है जो ये मेन गर्डर्स, मेन गर्डर्स हो ये वाले जो पूरे ऑरेंज वहां तक है। जी हाँ, और इसके ऊपर जो आप जिसमें हमारी सीलिंग लगी हुई है, सीलिंग एलजी है, सीलिंग लटकी हुई ना उसमें सेगमेंट को लिफ्ट करने के लिए। अच्छा, वो ऊपर में जो ऐसे करके शेप है वो हमारे पियर कैप जैसा जो शेप है? हाँ हाँ, वो सामने जस्ट उस दूसरे वाले में। हाँ हाँ हाँ, समझ गया, जो अभी आपने पूछा था वो। जी जी जी, ठीक है, वो हमारे लाइफ गार्डर्स है। लाइफ गार्डर्स में क्या होता है कि हमारे सेगमेंट लगेंगे, लाइफ गार्डर्स वो मूव करता है, ठीक है, वो उस नंबर के सेगमेंट को प्रॉपर उस पोजीशन पे ले जाके वो वहाँ पे छोड़ देता, छोड़ देता है, और छोड़ क्या वो होल्ड करके ही रखता है। राइट, ठीक है, तो उसमें जितने नंबर्स ऑफ सेगमेंट्स लगने होते हैं उतने नंबर्स ऑफ लाइफ गार्डर्स हम उसमें लगा करते हैं। ठीक है, जैसे 12 नंबर्स ऑफ सेगमेंट्स लगने हैं तो 12 नंबर्स ऑफ लाइफ गार्ड उसमें आपको मिलेंगे। ओके जी, ये और उन हर लाइफ गार्डर्स के पास वो दो स्ट्रिंग वाले होते हैं जिससे आप उसको फंसा के रखते हैं। जी हाँ जी, यहाँ मच्छरों की बारिश हो गई है, देखिए बहुत ज्यादा मच्छर है। अभी तक तो धूप मिट्टी धूल ये सब खाना पड़ता था, मच्छर से कटवाना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊंगा ना तो ओडोमास लगा के आऊंगा, बड़े मच्छर काट रहे हैं, और फुल टी शर्ट पहन के आऊंगा रिकॉर्ड करने के लिए। जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं ये वाले जो जिसमें आपने सपोर्ट दिया हुआ है? ये क्रिप्स है हमारे, क्रिप्स, इसको क्रिप्स बोलते हैं। ओके, इसे हमने सपोर्ट दिया हुआ है, ये वाले क्रिप्स हैं। जी हाँ जी हाँ, ये सारे क्रिप्स हैं हमारे। क्रिप्स को तो सपोर्ट के लिए जैसे आगे हमने सपोर्ट दे रखा है, अब पीछे हमें जैसे अब हमने इसके ऊपर इसके लेग्स के ऊपर सपोर्ट दे दिया जी, है ना, तब यहाँ से हम अगर लेग्स इसको बोलते हैं ये जो दोनों, ये हमारे लॉन्चर के लेग्स हो गए ये। ओके, ठीक है, अब इसको हमें यूज जैसे इसको हम नीचे से मूव भी कर देंगे, हटा भी देंगे ना प्रॉपर फिक्स करने के बाद में, हमारा लॉन्चर इन दोनों लेग्स के ऊपर होल्ड रहेगा, स्टैंड हो जाएगा। मतलब आप इसको हटा देंगे बीच वाला तब भी वो होल्ड रहेगा, होल्ड रहेगा, आगे चल के यही होता है, इसे हमें हटाना पड़ता है, आगे लगाएंगे। अच्छा, यही वाले हैं जिसको आप बोल रहे हैं लाइव गार्डर्स? लाइव गार्डर्स यही, वो सामने ही दिख गया मुझे, आइए मैं आपको एकदम सामने से दिखा देता हूँ लाइव गार्डर्स। नीचे रखा हुआ है, देखिए ऊपर वहां लगे हुए हैं लाइव गार्डर्स, और यहाँ नीचे में ये देखिए लाइव गार्डर्स ये रखे हुए। देखिए इतने अभी मतलब इतने गार्डर्स लगाने बाकी हैं आपके, आपको कब लगता है कब तक लगा देंगे आप? ये इसके इस पार्ट के, हाँ उस वाले में तो लग गया, उसमें तो लग गया, इधर कब लगा वो दिखेगा? इसमें भी वर्किंग हमारी स्टार्ट है, अभी ऊपर गार्डर में हमारे कुछ वर्क चल रहे हैं, उस गार्डर में वर्क चल रहे हैं सबसे जी, पहले वहाँ पे भी मुझे दिख रहे हैं लेबर काम। सबसे पहले मूवमेंट उसमें स्टार्ट हो जाएगी। ओके जी हाँ, उसमें मूवमेंट सबसे पहले स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद में इसमें मूवमेंट स्टार्ट होगी। आप पहले भी आए भी होंगे तो भी सबसे पहले वर्क हमारा ही उसमें उस तरफ में RHS में स्टार्ट हुआ था। तो मैं ये मान के चलूं कि अप्रैल 2021 में हाँ हाँ हमें यहाँ पे एलिवेटेड रास्ता दिख जाएगा बना हुआ। क्या हो सकता है कि हम आपको जैसे हम अपने सेक्टर 28 वाले कॉरिडोर में ऊपर चढ़ गए थे आप जी, मे भी हो सकता है कि आपको भी यहाँ पे ऊपर चढ़ा के एक बार व्यू दिखा देंगे। ठीक है ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मच्छर ने जान ले ली है तो सारे मच्छर के काटने की वजह से वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय हिंद।